नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के फैसले के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। निजीकरण के इस फैसले के खिलाफ 9 सरकारी बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया। इस हड़ताल की वजह से देश की बैंकों के 10 लाख कर्मचारी 2 दिन काम पर नहीं आएंगे, जिससे बैंकों का काम प्रभावित होगा। वहीं आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 600 शाखाओं के सैकड़ों कर्मचारियों ने हड़ताल की है। इंदौर में लगभग 400 करोड़ का लेनदेन प्रतिदिन होता है, जो प्रभावित होगा। हालांकि एटीएम से बैंकिंग कार्य जारी रहेगा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल बैंक कर्मचारियों को बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। अभी सरकारी बैंक में 500 से 1000 में खाता खुलता है, वहीं प्राइवेट बैंक की राशि बढ़ाकर 5 से 10 हजार रुपए हो जाएगी। के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो जनता परेशानी में आ जाएगी। जब से 1969 से जब से देश सार्वजनिक क्षेत्र आई हैं, राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब से देश में जो भी प्रगति हुई है उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में। आप जाके देखें, मैं रहा हूँ गाँव में, वहाँ पर हर चीज़ के लिए बैंकों ने लोन दिया है। जो पहले साहूकारों के चुंगल में फंसा हुआ था ग्रामीण, वो बड़ी मुश्किल में निकला है। और पहले बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हुआ करता था, बैंकिंग सेवाओं को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना, और उसमें सार्वजनिक बैंकें सफल हुई हैं। और आज जो बैंकों का स्वरूप है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, बहुत कम ब्रांचें थी। इंदौर में ही सिर्फ एक ब्रांच थी राजवाड़ा पे, राष्ट्रीयकरण ये 1960 में खुली हुई ब्रांच है। उसके बाद में आज ब्रांचों का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, आज 6000 कर्मचारी तो इंदौर में ही काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करा बैंकों ने हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो या बैंकों की अपनी नौकरी हो, और कई उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, जो भी आज आप स्वरूप देख रहे हो बैंक में। आप तो पत्रकारिता करते हैं, आज इससे पहले भी जो मर्जर हुए हैं उससे भी उपभोक्ताओं को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज़। नमस्कार।